করেছিলেন। সবার পরে যেটা গোল্ডেন ওয়ার বলেছিলেন, প্রত্যেকটা কথাই গোল্ডেন ওয়ার ছিল, কিন্তু ওই গোল্ডেন ওয়ারটা খুব মনে ধরেছিল। উনি বলেছিলেন যে পাখি তো একটা ছোট্ট অবলা একটা প্রাণ, আমরা মানুষ ভগবান সর্বশক্তিমান আমাদের দিয়েছে, এক্স্যাক্টলি, তো আমরা এদিকে খাইয়ে মানুষ করব না, আমরা এক্সপেক্ট করবো যে এ আমাকে খাওয়াবে। এক শখ হে, এক হবি হে, ইসকে লিয়ে আপকো খরচা করনা পড়েগা, এ প্রিপারেশন লেকে আপকো বার্ড কিপিং ইয়া ব্রিডিং পে আনা পড়েগা। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু শান্তনু বার্ডস কেয়ার। ফ্রেন্ডস, আজ ফির আয়ে হ্যাঁ কলকাতা লাভবার অবিনাশ দা কে পাস, কিউকি হাম লোক অভি জো চল রহা হ্যায় ইসি কে টপিক কে উপর বাত করেঙ্গে। জো অভি কা জো মার্কেট হ্যায় এক্সোটিক বার্ডস কা জো মার্কেট হ্যায় বহুত হি আপস অ্যান্ড ডাউনস চল রহা হ্যায়, বহুত লোগো তকলিফ হো রহা হ্যায় বার্ডস সেল করনে মে। তো দাদা, মে এক সওয়াল আপকো পহলে হি করনা চাহুঙ্গা। তো পহলে তো বহুত শুকরিয়া টাইম দেনে কে লিয়ে শান্তনু বার্ডস কেয়ার। নেই নেই, শুকরিয়া দাদা, এসে মত বলিয়ে, আপ আপ মতলব ইতনে বিজি শিডিউল মে আতে হ্যায়, ইতনা সারা লোক আপকো ফোন করতে বার্ডস রিলেটেড কেয়ার কে লিয়ে, ঠিক আছে, আপ কাফি বিজি রহতে হ্যায় মুঝে পাতা হ্যায়, কিউকি কাফি সারা লোক মুঝে ভি ফোন করতে হ্যায় আপসে কন্ট্যাক্ট করনে কে লিয়ে, তো আপ আয়ে এ মেরে লিয়ে কাফি বড়া চিজ হ্যায় দাদা। থ্যাংক ইউ দাদা, আপ টাইম নিকাল পায়ে। মেনে এক পহলি সওয়াল কাউন্টার করনা চাহুঙ্গা, জো দেখিয়ে আপ পিছলে সাল মে আপ কুছ ইনভেস্ট কিয়া থা লাভ বার্ডস কে উপর, হ্যাঁ, তো অভি কা জো স্থিতি হ্যায় তো আপকা ক্যা অভি ক্যা মতলব দিমাগ মে চল রহা হ্যায় ইয়া আপকা নেক্সট স্টেপ ক্যা হোনে ওয়ালি হ্যায়, তো ইয়ে সারে চিজ মে থোড়া সা হাম লোগো কো বতাইয়ে, কিউকি মার্কেট কা জো প্রাইস হ্যায় ব্রিডার কা ভি হাম লোগ বানাতে হ্যায় বার্ডস কো প্রোডাকশন করতে হ্যায়, লেকিন জব সেল করনে যা রহে হ্যায় ইতনা ডাউনফল হো গিয়া, তো লাগতা হ্যায় জো অর কুছ দিন রুক যাও বাদ মে থোড়া সা মার্কেট উঠেগা কি নেই উঠেগা, ক্যা স্থিতি হ্যায় থোড়া সা বতাইয়ে। देखिए दादा, एक्चुअली क्या है, इस मेन चीज़ है जो हम लोग कैसे अभी स्थिति को संभालें। अब एक एक्सपीरियंस ब्रीडर हो तो थोड़ा सा हम लोगों को भी गाइड कीजिए, जो हम लोग जो नया नया शुरू कर चुके हैं, एक दो साल काम कर रही है, एक साल काम कर रहे हैं, जो स्टॉक हो चुका है, मतलब स्टॉक हो रहा है, मतलब बेबी और ये लाइव स्टॉक है, तो कैसे हम लोगों को अभी रहना पड़ेगा, किस मतलब दिशा में सोचना पड़ेगा, ये सारी चीज़ में थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। देखिए दादा, ये काफ़ी आपने डिफिकल्ट सवाल पूछा है, हाँ, इसका आंसर एक्चुअली क्या देखिए, आप फर्स्ट पर्सन नहीं है जो ये सवाल किया है, काफ़ी सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं, लेकिन देखिए दादा, इसका कोई आंसर मेरे पास है नहीं। अच्छा, मेरे पास है नहीं, क्योंकि देखिए बार्ड्स मैं हमेशा से मानता हूँ एक हॉबी है दादा, एकदम एक हॉबी है, बा ये मेरा बचपन का हॉबी था जिसके वजह से मैंने इस फील्ड पर आया था, ताकि एक अच्छा टाइम इसके साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। तब ना ही मैं जानता था मार्केट, ना ही जानता था बेनिफिट, बा बच्चा बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ तब मैं जानता नहीं था। बार्स में ख़रीद के लेकर आया था, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी पर्सन था, बा मेरा जो बिज़नेस था, इंस्टीट्यूट था, उसमें काफ़ी मैं स्ट्रेस, काफ़ी प्रॉब्लम में था, तो सोचा जब मैं दो चार वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा, मतलब दिल से एक अच्छा लगा, बा एक सुकून लगा, तो मैं भी कुछ बार्स अभी रख सकता हूँ, रखूँ ताकि इनके साथ थोड़ा मेंटली मैं अच्छा रह सकूँ, तो मैं इसी सोच से मैं लेके आया था। और इतना साल बाद, इतना दिन बाद जब मैं यहाँ पे आया हूँ, तो जो भी मेरा जर्नी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस तरह से जर्नी करना चाहता था, मैंने स्टार्ट किया था उसी सोच से, लेकिन ये जो मेरा जर्नी है अभी तक का, ये किंतु ऑटोमेटिकली ये जर्नी दादा हुआ है, मैंने अपने आप बनता चला, अपने आप बनता चला आया है। तो अभी देखिए दादा, मैं कभी भी किसी को नहीं कहा हूँ, कह सकता हूँ, जो ये इनकम प्लेटफॉर्म व बिजनेस प्लेटफॉर्म हिसाब से आप बार्ड ब्रीडिंग पे आइए, exactly. क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी सारा वीडियो में बोल चुका हूँ, जब बार्ड्स कभी भी एक बिजनेस प्रोडक्ट बा एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट हो नहीं सकता है, एक शौक है, एक हॉबी है, इसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, ये प्रिपरेशन लेके आपको बार्ड कीपिंग या ब्रीडिंग पे आना पड़ेगा, जो इसके लिए मैं खर्चा करूँगा, ताकि क्यों, क्योंकि ये मेरा हॉबी है, ये मुझे आनंद देता है, इंटरटेन करता है, इनका सर मैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ, जिसकी वजह से मैं खर्चा करता हूँ, मैं खर्चा करना पड़ेगा। अभी रहा जे अगर हम लोग प्रोग्रेस नहीं लेंगे ब्रीडिंग, ब्रीडिंग क्या है, एक एसेंशियल व इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बर्ड ब्रीडिंग, ये हम लोग को हर साल रिफ्रेशमेंट करता है, इंटरटेन करता है, और एक क्या एक्साइटमेंट हम लोग रहता है, अगर हम लोग ब्रीडिंग नहीं लेंगे तो बर्ड ब्रीडिंग का मतलब आधा जो मज़ा है बा इंटरेस्ट है वो खो जाए। तो जब हम लोग ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग लेते हैं, तब ये सच बात है, काफ़ी सारा चीक्स हमको आता है, तो कुछ हम लोग रखते हैं एज ए स्पेस कैपेसिटी, उसके बाद कुछ चीज हमको सेल करना पड़ता है, तो ये चीज़ अलग है,
लेकिन अगर आप चिक्स सेल करेंगे इस सोच से अगर बर्ड्स खरीद के ले आते हैं तो इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है दादा, इसका सलूशन मेरे पास नहीं है। एग्जैक्टली दादा, मैं ही आपके मुंह से ही कहें मतलब सुनना चाहता था। तो ये फ्रेंड्स जो देखिए आज के डेट में ज़्यादातर लोग इस फील्ड में जुड़ रहे हैं ब्रीड करके बच्चा सेल करके कुछ अर्न करने के लिए, उन लोगों को ही तकलीफ होगा। देखिए मेरे घर में भी बहुत सारे बर्ड्स हैं और उसका दाना पानी का खर्चा हमको उठाना पड़ रहा है, मतलब परिस्थिति जैसे भी हो उसको भूखा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो भी मेरा दादा के जैसे मेरा एक शौक़ का या हॉबी या प्यार का स्थान है। तो इसीलिए आप बर्ड कीपिंग को ऐसे मतलब सोच के रखिए। जो दादा भी थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, मैं क्या सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, जो पहले शौक आपका भी उसके लिए एक प्यार या रेस्पेक्ट होना चाहिए, देन आप उससे से जो ब्रीडिंग पार्ट जैसे दादा ने बोला जो एक मतलब रिफ्रेशिंग होते रहते हैं हम लोगों का मन, जो उससे अगर जो बर्ड्स मैंने घर में रख रहे हैं उसी से कुछ चिक्स आ रहा है तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, फिर उनमें से कुछ बर्ड्स हम लोग रख देते हैं एज मतलब हम लोगों का कैपेसिटी जो स्पेस कैपेसिटी है, फिर बाकी जो बर्ड्स बचा खुचा रहता है उसको तो सेल आउट करना ही पड़ेगा क्योंकि सभी का तो बहुत बड़ा मतलब ऐसे स्पेस नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में अभी जो मार्केट जा रहा है जैसे जो स्थिति है जो मतलब जिस दामों से मान लीजिए, देखिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा दादा, जो ज़्यादातर लोग जैसे मैंने बोला इस कारण ही जुड़ चुके हैं तो आज थोड़ा सा तकलीफ में है, तो इस तकलीफ को एज ए आप मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है मैं बोल सकता हूँ छोटा मोटा मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं आपके मुँह से सुनना चाहूँगा उन लोगों को कैसे मोटिवेशन किया जाए, मतलब मोटिवेट किया जाए कैसे क्या करें। नहीं अगर देखिए दादा, अगर आप गलत चीज़ सही चीज़ लेके अगर गलत तरीके से आप काम करेंगे तो उसको सही नहीं हो सकता दादा। नहीं कभी नहीं हो सकता। अगर आप इनकम ही करना चाहते थे तो बर्ड ब्रीडिंग पे तो आपको आना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको तो ये कॉमन सेंस है जो बर्ड्स कभी भी इंसान का ज़रूरत नहीं है। ना जब मुझे बर्ड्स खरीदना ही है नहीं तो मेरा ज़िंदगी नहीं चलेगा या मेरा दिन गुजरा नहीं होगा। सही बात है। तो फिर अगर मैं बर्ड्स खरीद के उनका चीक्स उठा के मैं सोचूंगा हर दिन या हर महीना या हर साल मुझे इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, तो ये सोच तो आपका गलत है दादा। तो ये इससे अगर आपका कोई लॉस व नुकसान होता है तो इसका उठाना पड़ेगा, इसका कौन क्या आपका सलूशन करेगा। अगर आपको फिनेंशियली बेनिफिट होना था तो आपको दूसरा किसी चीज़ को आपको पालना था व पोसना था, वह दूसरा सारा जो चीज़ होता है दादा पोल्ट्री फार्म से लेके आपको फिशरीज ये देखे आपका तो काफ़ी सारा है, गोट फार्मिंग है, मिल्क सर्विसेज है, ये सारा चीज़ को करना चाहिए था, क्योंकि ये सारा चीज़ क्या डेली एसेंशियल प्रोडक्ट में आता है। अगर आप इस सारा चीज़ का एग्रीकल्चर कर ऐसा चीज़ का अगर आप मतलब फार्म करते बड़ा सेटअप करते तो ये रेगुलर बेस में इंसान का जरूरत होता, इन सबको रेगुलर बेस पर आपको बेनिफिट मिलता भाई, इसका डिमांड कभी भी कम नहीं होता, ठीक है ना। बर्ड्स तो एक शौक है दादा, मेरे पास अगर पैसा होगा तभी मैं शौक में जाऊंगा और शौक का पूरा करूंगा। अरे ये एक दिन आपने जो बोला ना दादा पिछले साल आप काफ़ी सारा बर्ड्स का इन्वेस्ट किया, तो पिछले साल मेरे पास पैसा था ठीक है, इन्वेस्ट कर पाए आपके भीतर वो चाहत था, हाँ चाहत तो फर्स्ट प्रायोरिटी दादा। अभी इस साल अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं बर्ड्स नहीं खरीद दूंगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या फ़र्क पड़ गया मुझे, जो बर्ड्स है मैं उसके लेके अपना शौक पूरा करूंगा। आगे जाके फिर अगर मुझे चांस मिलेगा मुझे फिनेंशियल अगर मैं स्ट्रांग हूँगा तब मैं दूसरा कोई बर्ड्स का शौक को पूरा करूँगा, इसमें कोई हड़बड़ी का बात नहीं है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है दादा। बर्ड्स पाला हूँ जस्ट टेंशन फ्री होने के लिए दादा, टेंशन लेने के लिए नहीं। ये एकदम बहुत ही आपको 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 मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। दो दिन तीन दिन पहले एक पर्सन कोई भाई बा दादा ही होगा मेरा, मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला दादा लबर्ड है, हाँ मैं नाम नहीं लूँगा प्राइस भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सल होता है, तो बता जब लबर्ड होगा, मैं बोला कौन सा लबर्ड, बोला ये लबर्ड, मैं बोला हाँ दो तीन प्यार हो सकता है आपको देने का लायक, तो बोला प्राइस क्या है, तो मैंने उसको प्राइस बताया जी दादा ये प्राइस होगा विथ DNA, तो दादा हो करके वो हंस दिया। मैं बोला अरे क्या बात है, गलत तो कुछ कहा नहीं, वो प्राइस पूछा, मैंने प्राइस ही बोला, तो बोला दादा
मतलब बेंगलुरु में बोल मैं बेंगलुरु में बोलूँ बोलिए दादा अपनी एखो कोथाय पड़े आछेन आपनी तो से आगे प्राइजे पड़े आछेन एखन मार्केट पड़े गेछे एखन ए दाम कोथाय तखन ओके आमी बोललाम दादा मार्केट पड़े जेते पारे किन्तु अविनाश एखनो पड़ेनी अविनाश अविनाशेर जायगाय दाड़िये आछे एबं परेर बछर आपनी जखन आसबेन देखबेन अविनाश सेई जायगाय दाड़िये आछे एक्ज्याक्टली तो मैं बोलना चाहता हूँ देखिए अगर मैं बार सेल करूँगा अभी जो आप बोल रहे सेलिंग के बारे में तो पिछले साल मैं एक वैल्यू देके बार्स को खरीद के लेकर आया राइट उसके बाद उसके पीछे हर दिन 365 डे में एफर्ट देके वो बार्स को बीडिंग करने का बाद ही मुझे इसको चीक्स आया एकदम विथ हार्ड वर्क उसके बाद मुझे अचीवमेंट या प्रोग्रेस मिला। अभी जब उस चीक्स को सेल करना जाऊँगा तो मुझे जो पता है बाब मैं जो जानता हूँ बाब जो सही है 30% 35% मैक्सिमम अभी का जो कंपटीशन हो गया उससे प्राइस लेस होता है तो मैं जो परचेस किया था उससे मैं जो सेलिंग करूँगा उससे 30-35% तक रिडक्शन मैं मान सकता हूँ लेकिन अभी मार्केट डाउन हो गया है कोई खरीद नहीं रहा है अभी 10 रुपया से मैं खरीद के लगाएगा आप 2 रुपया प्राइस बोलेगा अब मुझे देना पड़ेगा मैं दूंगा इसलिए मैंने उनको कहा कि मार्केट के हिसाब से मैं कभी भी बार्स नहीं खरीदा बा कौन मुझसे खरीदेगा उसी हिसाब से मैं बार्स खरीद के नहीं आया ये मेरा शौक है मेरा हॉबी है उससे मैं खरीद के लेके आया 365 दे में हार्डवर्क देता हूँ पेयर का चीज़ है मेरा तो वो आगे जाके मैं ये बोल रहा दादा आपको तो बार्स सेल करना पड़ेगा आप रखेंगे कहाँ आपका तो उतना स्पेस नहीं है जब सब बार्स को रख पाएंगे कभी सब लोग बोलते तब उनको बोला जब लॉकडाउन था दादा कोविड था तब मैं क्या खाऊंगा पता नहीं था बार्स को खाना तब भी मेरे पास 400 बार्स था दादा 400 बार्स को मैं खिलाया पिलाया उसके बाद 2 दिन में दादा इसको मतलब जब सेटअप मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कभी सारे लोगों को पता है तो 2 दिन में मैंने अपना यहाँ पे पॉलीथीन टीना लगा के मैं सारा बार्स को शिफ्ट किया लॉकडाउन उठने के बाद भी दादा मैं उधार लेके सेटअप बनाया दादा मेरा कहने का एक ही चीज़ है अगर अपना इच्छा थकबे तो अपनी उपाय पा यदि इच्छा ना थके अजुहत पा এটা অনেক প্রচলিত প্রবাদ এটা আমিও মনে করি তো আমার যদি মনে হয় আমি যদি সেই সময় সেই সিচুয়েশন মে আগে এই সেটআপ বানা সকতা হু তো মুঝে আগে লাগেগা হ্যাঁ মুঝে কোই মজবুর নেই কর সকতা দাদা বার সেল করনে কে লিয়ে কিউকি এ মেরা প্যাশন হে দাদা এ মেরা ডেডিকেশন হে এ মেরা প্যার হে দাদা কোই মুঝে মজবুর নেই কর সকতা মুঝে ইস প্রাইস মে মুঝে দেনা পড়েগা কিসি কো মে প্যাশ সে দে দেতা হু বা কোই আতা হে কিসি কা ফিনান্সিয়াল প্রবলেম হে মে উসকো কম প্রাইস মে দেতা হু অলগ মে ইস্যু হে দাদা ও প্যার হে দাদা যে চলো তুম কর दो पैसा तुम कम दो लेकिन अभी दादा मार्केट ए है मार्केट वो है तो मार्केट के हिसाब से मैं तो कभी चला ही नहीं हूँ। और एक चीज़ दादा मैं बोलना चाहूँगा हाँ। कोई भी चीज़ मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका अप्स एंड डाउन्स आएगा इकोनॉमिक के साथ जुड़े रहने हाँ, से बिजनेस स्टडीज तो अगर अच्छे टाइम के अगर हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं तो बुरे टाइम पे भी थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा ये बात देखिए आउट ऑफ सिलेबस में एक चीज़ कहना चाहूँगा जो आप सवाल किया है उनका मैं थोड़ा आंसर देने का कोशिश करूँगा आउट ऑफ सिलेबस बोला मैंने अगर जो आप कह रहे हैं ना जे बार्स है लेकिन सेल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे तो देखिए होल्ड पेशेंस एग्जैक्टली ये दादा काफ़ी बड़ा चीज़ है दादा ये अच्छा अच्छा लोगों को दादा सुला देता है अगर आप होल्ड करके रखेंगे देखिए एक्चुअली क्या है सोते उल्टो दिखे यदि अपनी सदा करार चेष्टा करें তাহলে আপনি বেশি দূর যেতে পারবেন না যতই আপনি হাত পা ছুঁড়ে নিন হাঁপিয়ে যাবেন মানে যতটা আপনি যাবেন ওটা আপনি ভুল ডাইরেকশনে গেলেন আবার যখন শোধ যখন বইবে তখন কিন্তু আপনাকে ওই ভুল রাস্তা থেকে আবার আগে ডেস্টিনেশনে আসতে হবে তারপর আপনাকে তাই বলুন শোধের উল্টো দিকে সাদা গেলে লাভ নেই যখন মানুষ পাকে পড়ে তখন মানুষের উচিত স্থির থাকা কিন্তু আমরা কী করি সে পাক থেকে বেরিয়ে আসার জন্য হাত পা ছুঁড়ি আলটিমেট রেজাল্ট কী হয় সে পাকে আমরা আস্তে আস্তে দাদা ঢুকে যাই তাই যখন আমি যদি মনে করি আমি পাকে পড়েছি তাহলে আমি বলবো চুপচাপ থাকুন এক সময় পাক বা কাদার নিচে তলাবেই টুক করে আপনি সুযোগ বুঝে আপনি আপনাকে নিজেকে সেভ করে নেবেন আপনি হোল্ড করে রাখুন এখন কী হচ্ছে সবাই পাখি বিক্রি করে দিচ্ছে প্রোগ্রেস তো তা সবসময় হয় না প্রোগ্রেস কি সারা বছর হয় মানুষ হাজার চেষ্টা করলে গরমে প্রোগ্রেস নিতে পারবে না বর্ষা গেলে প্রোগ্রেস নিতে পারবে না তো সেই সময় কি হয় সেই সময় প্রোগ্রেস বা প্রোডাকশন যদি আপনি ধরে নেন ডিমান্ড বাড়বে না তখন তাহলে স্টপ হয়ে গেল কিন্তু পাখি শখ একটা মানুষের কখন শখ হবে পাখি কেনা 10টা 20টা 100টা হোক সেটা তো কেউ বলতে পারে না সারা বছরই মানুষের শখ থাকে সারা বছরের ডিমান্ড থাকে তো আপনি এখন সব ঝড়ের মতো লোকের সঙ্গে কথা শুনে আপনি সব বিক্রি করে দিলেন
घर फाका कर दिलें अपना कष्ट जिनिस परिश्रम जिनिस अपना कष्ट पसाते केंा जिनिस से दिखे अपनी जलर दामे बिक्री कर दिलें लोकर देखा देखी এবার যখন ডিমান্ড এলো বা আপনার কাছে কেউ এলো পাখি কেন আপনাকে দেওয়ার নেই এবার জায়গা নেই তো কেঁদে কুল করা ছাড়া তো কোনো উপায় নেই তাই আমি একটা কথা বলবো ফোকাস অন ইউর ওয়ার্ক আপনার কাজে আপনি ফোকাস করুন লোকের কথা ফোকাস করবেন না লোকের কথা যদি ফোকাস করতে চান তাহলে আপনি কখনো ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন না আমার 30 পেয়ার লাভবার্ড বিট করেছে আমি আপনাদের বলে রাখলাম পরের বছর এসে দেখবেন আমার এখানে 50 থেকে 60 পেয়ার লাভবার্ড বিট করবে আমার এটা ভাড়ার সেট আপ আমার নিজের সেট আপ নয় আমাকে লোকে বলে যে আপনি বড় বড় কথা বলছে আপনার অনেক পাখি আছে বলে এভাবে আছে বলে বা আপনার ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট আছে বলে কিচ্ছু নেই বন্ধু আমার আমার কিচ্ছু নেই আমি এখানে ভাড়ার সেট আপ নিয়ে আমি এখানে নিজে ইনভেস্ট করে আমি পাখি সেট আপ করেছি শুধু ভালোবাসা আছে বলে তাই যদি দরকার পড়ে আমি আবার একটা সেট আপ ভাড়া নিয়ে করব কিন্তু পাখির গুরুত্ব পাখির দামকে আমি জলে ভাজিতে পারবো না যেটা 10 টাকার দাম যে সৌন্দর্যটা 10 টাকা দিয়ে আমি কিনেছি যে কিনবে তাকে 10 টাকা দিয়ে কিনতে হবে সব টাকা তাকে পূরণ করতে হবে যে জিনিসের যেটা দাম তাকে সেই জিনিসটা দিয়ে তাকে কেনা উচিত তার শখ পূরণ করা উচিত আমি 5 বছর আমার কাছে পয়সা ছিল না আমি হাই মিউটেশন লাভবার্ড কিনিনি শখ আমার 5 বছর আগে কাছে ছিল আমার ফিনান্সিয়াল বেনিফিট সাপোর্ট ছিল না আমি কিনিনি আমার যখন আমি সেই জায়গায় আছি সেই জায়গা আমি কিনেছি আজকে আপনি বলুন দাদা আপনি বলি দাদা আপকা লাভবার্ড আপ পাললি কি আপকা গ্রেভার কা শখ নেই হ্যাঁ একদম আপকা মেকআপ কা শখ নেই হ্যাঁ तो आप क्यों नहीं पाल पा रहे मैं क्यों नहीं ले आ पा रहा हूँ मैं हमको फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है था। आगे जाके जब मुझे होगा तब मैं तब लूंगा अभी जो है उसमें फोकस है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है दादा कम प्राइस में दे दूंगा उसका जो प्राइस है वही उसका दादा खासियत है एग्जैक्टली वही उसका आइडेंटिटी है दादा वही उसका पहचान है अगर वही नहीं रहेगा तो दादा अब मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं है तो मैं इसी को समझ पा रहे हो कि नहीं मैं समझ गया तो यही मैं बोल रहा हूँ जी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा था पेशेंस सबसे बड़ा चीज़ है बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को ओवरकम करने में ये सबसे बड़ा मदद करते हैं पेशेंस जो अभी जो पेशेंस रख पाएंगे वही आगे जाके बेनिफिट होंगे यही बात सही है एकदम सही बोला दादा ने जो आप लोगों का थोड़ा सा सबर तो रखना ही पड़ेगा और देखिए मैं एक चीज़ और एक इसके साथ इंक्लूड करना चाहूँगा बार्ड्स तो उसका जो मतलब मन का चीज़ है उसके साथ जुड़े रही है उसको ये आज के डेट में जो टॉपिक है मतलब अलग सा है मैंने रखा दादा के साथ बात करने का मन कुछ और था आप लोगों के लिए कुछ और किया जो आप लोगों का भी थोड़ा सा समझ आए जो क्या करना पड़ेगा छटपटाइए मत थोड़ा सा होल्ड में रखिए और क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगा तब दे नहीं पाओगे तब रोने के अलावा और कुछ नहीं आएगा तो इसीलिए जितना हो सके देखिए और एक चीज़ इधर एक थोड़ा सा टिप्स देना चाहूँगा मार्केट में आप लोग कुछ लोग हमको दादा फ़ोन करते दादा सीड्स का प्राइस इतना बढ़ चुका है कैसे खिलाऊँ देखिए जब लॉकडाउन था तब भी मेरे बार्ड्स था अभी भी है अभी तो ज़्यादा हो गया इस टाइम पे क्योंकि उस मेरे ज़्यादा फोकस था सॉफ्ट फूड में ये जो ये चीज़ जब आपने सवाल किया ना मुझे भी कभी सारे लोग बोलते तो दादा खाने का दाम बढ़ा हम लोग जो खाते उसका दाम का घटा है दादा एग्जैक्टली आपका राइस का प्राइस नहीं बढ़ा है दाल बाट आटा जो खाते उसका प्राइस का नहीं इंक्रीज हुआ है इसका मतलब हुआ क्या नहीं दादा तो फिर तो हर रोज बढ़ रहा है कुछ हाँ? फिर आपका कोई हेडेक नहीं है कोई सेटिस्फाई पेट भरने के लिए तो खा रहे हैं हाँ? अगर मेरा जो चिंताधारा है आपका ही वही है अगर मैं खा सकता हूँ मेरा मेंबर भी खा सकते हैं मैं यही सोच के आगे बढ़ता हूँ और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं सॉफ्ट फूड में ज़्यादा फोकस करता हूँ तो सीड्स ना के बराबर लगता है मेरा तो ठीक है तो इसीलिए अगर भी आप लोग भी थोड़ा सा सॉफ्ट फूड अपने बार्ड्स को हैबिट करवाओगे जो आपके जो सब्जी वगैरह आते हैं वो भी अगर हैबिट हो जाएगा ना आपका बहुत कम हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा तो यही बोलना चाहूँगा बहुत ही अच्छा दादा सवाल तो था ही दादा लास्ट में देखिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा दादा जे हम लोग भी नहीं चाहते किसी का बुरा हो किसी का नुकसान हो तो हम लोग वीडियो करते मैंने भी काफ़ी सारा वीडियो में कहा था जे देखिए बार्ड्स को आप लोग प्रोफेशनली मत लीजिए व फास्ट इनकम प्लेटफॉर्म हिसाब से मत लीजिए और एक चीज़ क्या है किसी को देख के आप सिर्फ ए बार्ड्स करेंगे काफ़ी सारे लोगों को ज़्यादा गलती है दादा मेरे भी वीडियो में जे मैं हाई म्यूटेशन लाभबर्ड करूँगा क्योंकि हाई म्यूटेशन लाभबर्ड का फॉल करने का यही है सभी दादा हाई म्यूटेशन लाभबर्ड किया है तो मैं डिमांड से सप्लाई हो गया ज़्यादा दादा तो क्या करेंगे दादा क्या करेंगे मुझे दादा मैं कहता मुझे काफ़ी सारे लोग आके कहते दादा आप इतना सारा बार्ड्स क्यों करते मैं बोला मेरा पसंद है मैं करता हूँ मेरे पास स्पेस नहीं है पैसा नहीं है तो मैं और भी सारा बार्ड्स करता एग्जैक्टली और भी बार्ड्स मैं आगे जाकर करूँगा जैसे जैसे मेरा स्पेस कैपेसिटी बढ़ेगा मेरा फिनेंशियल स्ट्रांग होगा मैं और भी बार्ड्स करूँगा
तो ये कमर्शियल दिखते के अगर कोई देखेगा तो ये टिप्स वो काम में लगा सकता है। मेरे कभी सारे लोग बोलते हैं दादा आप ए बार्स कहते हैं फिंच क्यों रखे, अब जावा क्यों रखे, मैं क्या क्या किया मुकर है क्या, बार्स नहीं है ये भी तो बार्स है। एग्जैक्टली तो सोच में ही सब कुछ, सोच के ही सब कुछ है दादा। तो मैं कहूँगा देखो आप अपना शौक को प्रायोरिटी दीजिए, जे इसका प्राइस ज़्यादा है इसलिए मैं इसको करूँगा, इसी चक्कर में आज दादा ये हुआ है। जब मैं लो प्राइस में बाप फिंच बर्जिस का नहीं करूँगा, मैं हाई मिडिल हाँ हाँ हाँ, और ये भी स्टेटस बन, मैं 50,000 में खरीदूंगा, मैं 50,000 में सेल करूँगा, मतलब एक साल में मैं कॉन्सेप्ट ये है हाँ। अगर आप इतना एफर्ट दे के कर रहे हो, आपका वैल्यू नहीं है, मेरा वैल्यू नहीं है, मेरे पास 50,000 रुपया का एक म्यूटेशन बार से वो बड़ा ब्रीडर बन जा रहा है, ठीक है। मार्केट का बहुत हम लोगों ने गिराया है ये सारी चीज़ करते हैं, लोगों का दादा अहंकार भी हो गया था दादा। हाँ हाँ हाँ, ये एक स्टेटस बन के अहंकार हो गया था, मेरे पास ग्रे है, मेरे पास शान है, मेरे पास ये है, और हम लोग तो मतलब नया नया जन्म लिया है, मतलब हम लोग नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, यही बात। अहंकार भी हो गया दादा काफ़ी सारे लोगों का, अपना एक चीज़ वो लोग भूल गए थे, अरे बार्स पालते हो तुम, शेर नहीं पालते हो या हाथी नहीं पालते हो आप, इतना घमंड करते थे मेरे पास। हाँ दादा किस कुछ काफ़ी सारे लोगों का मैं देखा हूँ, हाँ मैं तो पिछले साल कभी सारा बार्स खरीदने कभी सारा लोगों के पास गया था जिनको मैं जानता नहीं था, जो मुझे भी नहीं जानता था, मैं जाता था देखता था, हाँ मतलब बात बोल रहा है ऐसा ना ज़्यादा ज़्यादा शेर रखा हुआ है अंदर मतलब अंदर क्या ना नहीं अंदर हमारा हाई म्यूटेड बार है और काफ़ी एक्सपेंसिव बार है, मैं सोचा चलो भाई कुछ जरूर कुछ होगा। तो ये सब चीज़ था दादा लोगों का, लोगों के भीतर ऐसे सोच बढ़ चुक मतलब दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो ये मैं एक ही चीज़ इस वीडियो में यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहूँगा, पॉजिटिव रही है तो अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव कीजिए, बार्स को शौक और मन के साथ जुड़िए, और ये तो एकदम सही मन का बात बोला मेरा, अगर खुद जो हम लोग खाना खा रहे चावल वगैरह दाल हर चीज़ हर दिन दाम उसका चढ़ रहा है, तो हम लोग क्या खाना पीना छोड़ रहे हैं और ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप वो उसको फैमिली मेम्बर है तो आप बार्स आपके घर में ज़रूर रहेगा, अगर सिर्फ आप उसको कमर्शियल साइड से देख रहे हो तो हम नहीं जानते, मेरे पास भी ऐसे इसका कोई मतलब उत्तर नहीं है क्या होने वाला है आगे जाके। बांग्ला क्यों देखे सेके हाँ, क्यों ठोके सेके, क्यों ठेके बार ठोके सेके दादा, ठीक है। मैंने हमारे जो एजेंसियों के बोलतम जो बार्स कखनो एक इनकम प्लैटफर्म नय इनकम प्लैटफर्म होते पाए ना, तो अनेक विश्वास करनी मानी सर कथा एक मन पड़े भाई सर सुब्रत चक्रवर्ती जे अपनार ही भिडियोते उन्नी एक कथा बोले खूब एखो मैं माथाय घरे बाच्चा करो ना সেখান থেকে যেটা এক্সট্রা হবে সেটা তুমি কাউকে ভালোবেসে দাও বা তুমি কাউকে একটু প্রাইস রেখে দাও সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু সেই জায়গাটাই এখন আর নেই। মানে ওনার কথাটা আপনার প্রথম যে ভিডিওটা ওনার বাড়িতে গিয়ে করেছিলেন গোল্ডেন ওয়ার বলেছিলেন, ওর সম্পত্তির কথাই গোল্ডেন ওয়ার ছিল, কিন্তু ওই গোল্ডেন ওয়ারটা খুব মনে ধরেছিল, উনি বলেছিলেন যে পাখিদের একটা ছোট্ট অবলা একটা প্রাণ, আমরা মানুষ ভগবান সর্বশক্তিমান আমাদের দিয়েছে, এক্স্যাক্টলি, তো আমরা এদিকে খাইয়ে মানুষ করব না, আমরা এক্সপেক্ট করবো যে এ আমাকে খাওয়াবে, খুব দামি কথা মানে প্রাইসলেস বাত। হ্যাঁ, আর সেদিনকে আমি একটা ফেসবুকের জিনিস দেখতে খুব ভালো লাগলো কথাটা, বলছে পৃথিবীতে 44,000,000,000 এরকম কিছু প্রাণী আছে, প্রাণ আছে, প্রাণ আছে, তাদের মধ্যে একমাত্র মানুষই যে পয়সা ইনকাম করে, কিন্তু এছাড়া কেউ পয়সা ইনকাম করে না কোনো, কিন্তু তাদের কিন্তু কখনো খালি পেট থাকতে হয় না বা খাবারের অভাব হয় না, কিন্তু একমাত্র মানুষই এমন প্রাণী যা পেট কোনোদিনও ভরে না। বাহ, খুব সুন্দর কথা, এবং এর মধ্যে প্রচণ্ড মানে এবার যদি এটা যদি আপনি এক্সপ্লেনেশন করেন তাহলে আপনি বুঝুন ব্যাপারটা, বুঝতে পারেন। তাই আমরা যেটুকুনি পাচ্ছি যেটুকুনি পেয়েছি সেইটুকুনি যদি সন্তুষ্ট থাকতে পারি তবে জীবন সার্থক, নাহলে আপনি মানে স্কাই অফ দ্য লিমিটে গিয়ে লাভ নেই, লাইফ নেই, আপনি কখনো স্যাটিসফাই হতে পারবেন না। দেখুন প্রয়োজনটা প্রয়োজন, প্রয়োজনটা কখনো, হ্যাঁ প্রয়োজনটা প্রয়োজন, একটা কথা একটা জিনিস কী বন্ধু দেখান, প্রচুর মানুষকে আমি মানে সবাইকে আমি একটা কথাই বলতে চাই, খারাপভাবে কেউ নেবে কি ভালোভাবে নেবে সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি একটা জিনিস বলতে চাই, দেখুন পাখি অনেক রকম অনেক আছে, প্রচুর ভালো ভালো পাখি আছে, দামি পাখি আছে, কম দামি পাখি আছে, আমি অ্যাজ এ বার্ড লাভার বা বার্ড হবিস হিসাবে আমার কখনো এই মনোকামনা হওয়া উচিত না যে সব পাখি আমার কাছে থাকবে। হ্যাঁ, আমার আপনার কাছে একটা অন্য পাখি আছে সেটা হয়তো অনেক দামি পাখি, আমি সেটা দেখেই খুশি হব দাদা, আপনার কাছে আছে সেটা দেখেই আমি খুশি হব, সেটাই আমার স্যাটিসফ্যাকশন হবে, আমার কখনোই এটা কামনা হওয়া উচিত না যে সব পাখি আমার কাছে থাকবে,
আজকে ওর কাছে ম্যাকাও আছে মানে আমার কাছে ম্যাকাও হতে হবে, ওর কাছে গ্রে প্যাড আছে মানে আমার কাছে গ্রে প্যাড হতে হবে, চলছে এই ট্রেন্ডিংটা চলছে। এই যদি এতে যান তাহলে আলটিমেট কী হবে জানেন, আপনি আনস্যাটিসফাই অসুখী হয়ে যাবেন, আপনি কোনো দিন সুখী হতে পারবেন না, যে এই জিনিসটা আপনার কাছে সেই জিনিসটা আপনাকে কোনো সুখ দিতে পারবে না। আগে ম্যাকাওকে খাবার দিয়ে মানুষ আনন্দ পাচ্ছে, আপনি আপনার ফ্রেন্ডসকে খাবার দিয়ে আনন্দ পাবেন, এটা ডিপেন্ড আনন্দ পাবেন, এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবেন যে আপনি আপনার সুখটাকে উপভোগ করবেন না অন্যকে সুখী দেখে আপনি নিজেকে অসুখী বা দুঃখী করবেন। खत्म कर रही हूँ, अगर आप लोग समझदार हो तो समझ चुके होंगे क्या हम लोग दोनों मिल के बोलना चाह रहे, मतलब इस वीडियो में समझ के हम लोग को चलना पड़ेगा, एक साथ जुड़ के चलिए, थोड़ा सा होल्ड कैपेसिटी रखिए। परिस्थिति देखिए बुरा हमेशा नहीं, सुबह तो आएगा ही और सुबह होने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। और एक चीज़ देखिए पॉजिटिव जो चीज़ मैं बोलूँगा, देखिए अभी जो बाजार फॉल व मार्केट जो डाउन है ये एज ए स्टैटिस्टिक हिसाब से नहीं हुआ है, ये थोड़ा एक्सेप्शन हुआ है, तो इसको लेके इतना फिक्र होने का जरूरत नहीं है। ठीक, तो इतना ये ठीक होगा दादा, ये इम्प्रूव होगा, ऑब्वियसली इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता है जिसका 50 रुपया दाम था पिछले साल आज उसका 10 रुपया 15 रुपया दाम हो गया, ये तो हो नहीं सकता। ये कभी सारा बजा एक साथ क्लास किया इसीलिए ये हुआ है, लेकिन ये आगे जाकर ठीक है। तो इतना फिक्र करने का भी, इतना टेंशन लेने का भी कुछ कोई बात नहीं है। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं मैं फिर से कहूँगा फोकस कीजिए अपना काम पर, ठीक है, देखेंगे एक टाइम पर सब कुछ ओवरकम हो जाएगा। फिर मेरा पास बार से मैं बार कर रहा हूँ, पिछले साल अगर 30 पेयर मेरा पास बास था तो इस साल मेरे पास 50 पेयर बाढ़ होगा, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। आप जब नेक्स्ट ईयर पे आएंगे तब मैं आपको और भी ज़्यादा बार्स मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए फ्रेंड रखता हूँ आज इतना ही, फिर मिलेंगे नया कोई टॉपिक के साथ, नया इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के सामने। नमस्कार। এটা এমনই একটা টপিক না।